वो भी यूट्यूब से। और अब मैं चूनाकारी सीख रही हूँ, मीन्स कि अब मैं एंटरप्रेन्योर बनना सीख रही हूँ। तो जो जो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है ना, एक एडवाइस है कि पहले मक्खन लगाए फिर चूना लगाए, इट स्टिक्स ऑन वेल। कभी सुन जाती हूँ जब दिल चाहे चलेगी, वरना चूनाकारी की प्रैक्टिस में मैं बहुत बिजी रहती हूँ। तो मैं इस साल के पहले दिन स्कूल गई तो टीचर ने कहा बेटा व्हाट्स योर हॉबी, एक लड़की ने कहा मैम मैं शायरी करती हूँ, एक बच्ची ने कहा मैम मैं गुल्लूकारी करती हूँ, मैंने कहा मैम मैं चूनाकारी करती हूँ, मैम को ना कुछ समझ नहीं आई। तो फिर मैंने मैम को समझाया, मैंने कहा देखिए मैम, अब हर आदमी पाकिस्तान का सुबह ये नियत लगा के जाता है कि भाई मैंने आज चूना लगाना है, और जब घर आता है तो आधे चूना लगा के आते हैं आधे चूना लगवा के आते हैं, तो why not be there? तो क्योंकि अब मैं भी प्रोफेशनल चूनाकार हूँ, तो तीनों पीछे बैठे हुए ये चूनाकारी प्रोफेशनली सिखा रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशनली। आई रिकमेंड कि प्रोफेशनली चूनाकारी से सीखे, बट द गुड थिंग इज कि ये आपको ये भी सिखाते हैं कि हाउ टू क्रिएट वैल्यू ऑफ योर चूनाकारी, ठीक है। सो गो अहेड एंड बी अ चूनाकार योरसेल्फ। थैंक यू। आपको तरीके से